हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के ही बने हुए प्लांटर्स है, जो हमारे ऑयल कैन से और कुछ हमारे खाली डिब्बे होते हैं, कुछ बॉटल्स होती है, उसमें से हमने बनाए हैं। तो आज का वीडियो भी हम इसी पर बना रहे हैं। जैसे कि अभी रेनी सीज़न आने वाला है, तो हमें प्लांटर्स की बहुत कमी पड़ेगी, तो ढेर सारे प्लांटर्स इकट्ठा करने होंगे। हम मार्केट से हर बार प्लांटर्स लाएंगे तो हमारी गार्डनिंग बहुत कॉस्टली हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में भी जो कुछ होते हैं खाली बॉटल्स वगैरह, उन्हें भी हम यूज़ में ला सकें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमने अभी ऑयल कैन से प्लांटर्स कैसे बनाए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये प्लांटर्स बनाए हैं, ये हर कोई बना सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर ये मेरे पास खाली ऑयल कैन है, तो मैंने सोचा इसे मैं क्या बना सकती हूँ। मैंने पूरी तरह से इस कैन को देख लिया। ऐसे इस तरह से हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस की कैंस आती है, तो हमने देखना चाहिए कि इस कैन से हम क्या बना सकते हैं। तो देखिए, इस साइड से तो हम कुछ नहीं बना सकते। देखिए, इस साइड से हम ये जो देख रहे हैं आप, ये मुझे कुछ हमारे फेस के जैसा दिख रहा है, तो इसमें हम आइज निकाल सकते हैं और उसके ये लीव्स हो सकते हैं लीव्स। और इसलिए मैंने सोचा कि इसमें हम कुछ फेस बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। देखिए, अब हम दिखाते हैं आपको बनाकर। ये यहाँ से जो है, ये हम पोर्शन ऊपर वाला कट कर देंगे। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसे कट करेंगे। तो अभी हमने ऊपर का पोर्शन कट कर लिया है, अभी हम इसमें आइज ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, इस यहाँ पर हम आईब्रोज निकालेंगे। ये हमने आईज ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हम ये ब्लैक पेंट से आईज को पेंट करेंगे। ये हमने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ऑयल पेंट भी ले सकते हो, या फिर मार्कर पेन से भी आप आईब्रोज ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने आईब्रोज ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हम आईज़ के बीच में वाइट वाला पोर्शन पहले पेंट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ब्लैक कलर पेंट करते हैं तो बाद में जब हम वाइट कलर पेंट करते हैं तो वो ब्लैक कलर वाइट कलर में मिक्स हो जाता है। इसलिए पहले हमें वाइट कलर से पेंट करना चाहिए होता है और बाद में हमें ब्लैक कलर से बॉर्डर ड्रॉ करनी होती है। अभी हम इसमें ब्लैक कलर से बॉर्डर करेंगे। हमने और भी कई सारे प्लांटर्स बनाए हैं, बहुत ही इजी प्लांटर्स बनाए हैं हमने, और आपके साथ शेयर भी किए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। वैसे तो हम कैन को काटकर डायरेक्टली भी प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेकोरेट ही करें, लेकिन जब हम डेकोरेट करते हैं तो
तो वो प्लांटर हमें एकदम जिंदा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे गार्डन में सुंदरता बढ़ती है, अच्छा दिखता है हमारा गार्डन। अभी हम इसके हेयर्स निकालेंगे। अभी हम इसके लीव्स निकालेंगे और नोज़ तो ऑलरेडी है ही, हमें नोज़ पेंट नहीं किया तब भी चल जाएगा। मैं इजी पेंटिंग कर देती हूँ, वो प्लांटर्स अच्छे दिखते हैं। आप अगर चाहे तो अच्छे से और भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। ये हमारे लीव्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी ये हमारा प्लांटर बनकर तैयार हो चुका है। हमने देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ऐसे हमारे पास 5 कैंस थी तो मैंने पूरी की पूरी फैमिली बना दी है। देखिए ये जो हमने बनाया है ये बॉय है। अभी हमने इसके मम्मी पापा बनाए हैं, दीदी बनाई है और इसकी दादी भी बनाई है। तो चलिए देखते हैं बाकी के प्लांटर्स भी हमारे हमने कैसे बनाए हैं। और यहाँ पर पीछे के साइड में हमने एक होल डाला है और नीचे में भी हमने 3 होल डाले हैं ताकि हमारा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। ड्रेनेज के लिए वो होल ज़रूरी है। और पीछे के साइड में जो होल डाला है वो हम दीवार में टांगने के लिए लगाया है। तो चलिए देखते हैं हमारे बाकी के प्लांटर्स भी किस तरह से बने हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये प्लांटर्स। यहाँ पर हमने देखिए एक ये दादी अम्मा है और ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बहू है और ये उनकी पोती और ये पोता और ये पूरी फैमिली बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल हैप्पी गार्डनिंग।